नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में, मतलब सीयूईटी पीजी के एग्जाम के बारे में। जी हाँ, आज उसकी डेट्स को रिलीज कर दिया गया है कि कब से आपके एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब कब से आप लोगों का प्रोसीजर स्टार्ट होगा और बाकी सारी डेट्स भी आ चुकी है। सो इस वीडियो में हम आप लोगों को सारी लेटेस्ट अपडेट्स देने वाले हैं सीयूईटी पीजी के रिगार्डिंग। शुरू करते हैं बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। सर, आज यूजीसी के जो चेयरमैन है उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके अंदर उन्होंने सारी डेट्स को मेंशन कर दिया है। एंड इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आज रात तक सारी मेन डेट्स भी आ जाएगी, सीयूईटी पीजी के रिगार्डिंग जो भी मेन डेट्स होगी वो रात तक आ जाएगी। सो उन्होंने आज काफी सारी डेट्स को रिलीज किया है जो कि होगी सीयूईटी पीजी के रिगार्डिंग, मतलब कब से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं एंड कब एडमिशन खत्म होंगे, कब आपकी करेक्शन विंडो स्टार्ट होगी। सो ये सारी डेट्स उन्होंने बताई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप लोगों की एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, मतलब कब से आप लोग फॉर्म्स भर सकते हैं रिगार्डिंग सीयूईटी पीजी। और ये सीयूईटी पीजी जो होने वाला है इसके थ्रू आप लोग बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर अपने आप को फिलअप कर सकते हैं। एंड इसके साथ जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होंगी और बहुत सारे कॉलेजेस के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, ऑटोनॉमस कॉलेजेस के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के लिए, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग कॉलेजेस, बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के पास होंगे सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन लेने के, कौन से प्रोग्राम्स में, मास्टर प्रोग्राम्स में। सर, एडमिशन प्रोसीजर आज ही रात से आप लोगों का स्टार्ट जाएगा, मतलब 20 मार्च से चलने वाला है 19 अप्रैल तक, ठीक है। तो 19 अप्रैल तक ही चलेगा, 19 अप्रैल शाम के 5 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसी के अलावा 19 अप्रैल को ही आप रात के 11:50 तक लास्ट डेट है आप लोग की पेमेंट करने की, ठीक है। सो 19 अप्रैल लास्ट डेट है जब तक आप लोग अपना एडमिशन करवा सकते हैं सीयूईटी पीजी के अंदर। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि हम लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना तो हम लोगों को सीयूईटी पीजी फिल करना पड़ेगा। तो बिल्कुल, इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना लिया सीयूईटी पीजी को। सो अगर आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, कोई भी मास्टर्स का कोर्स अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से उठाएंगे तो आप लोगों को बिल्कुल इस बार सीयूईटी पीजी को भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि करेक्शन विंडो सीयूईटी पीजी की कब खुलेगी, मतलब अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप लोग 20 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में करेक्शन विंडो में जाके उसको सही कर सकते हैं। मतलब आपसे कोई नाम गलत हो गया, कहीं आपने मार्क्स गलत डाल दिए, कोई डिग्री आपने गलत डाल दी, कि आपकी जो बैचलर्स की डिग्री थी वो कुछ आपने गलत डाला, कोई भी चीज अगर आप लोग गलत डाल देते तो आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं 20 से 23 अप्रैल के बीच में। अब यार कुछ अलग अलग डेट्स भी है, जैसे कि आप लोगों की एडमिट कार्ड की डेट्स होगी, एग्जामिनेशन डेट्स होगी, एग्जामिनेशन टाइमिंग्स हो गई, क्या अलग अलग जो शिफ्ट्स होंगी, 3 शिफ्ट्स में एग्जाम्स होने वाले, लेकिन कौन कौन सी शिफ्ट्स होंगी। सो ये सारी चीजें अभी एनटीए ने बोला है कि वो लोग बहुत ही जल्द रिलीज करेंगे, साथ साथ यूजीसी ने भी यही कहा है कि बहुत ही जल्दी ये सारी डेट्स को अनाउंस कर दिया जाएगा और ये सारी डेट्स आप लोगों की साइट पे मिल जाएगी, साइट्स भी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड इसी के अलावा उन्होंने एक और अपडेट दी है, सीयूईटी पीजी का ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला एग्जाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम है ये, और ये एग्जाम होगा आप लोगों को पूरे 2 घंटे का। सो आप लोगों को 2 घंटे दिए जाएंगे जिनके अंदर आप लोगों के एग्जाम होंगे, क्या क्या सिलेबस होगा, क्या क्या चीजें होंगी, वो इनका ब्राउशर आते ही आप लोगों को पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनकी कौन कौन सी वेबसाइट है। तो सबसे पहली वेबसाइट है इनकी www.cvt.nta.nic.in एंड इसी के अलावा एक और वेबसाइट है www.nta.ac.in। तो हाँ, ये 2 वेबसाइट्स हैं, आप लोगों को कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए होगी तो आप इन्हीं दोनों वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। एंड इसी के अलावा एक बहुत ही बढ़िया अपडेट या फिर एक बहुत बढ़िया न्यूज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। सर, जिस भी बच्चे को सीयूईटी के थ्रू किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना, चाहे वो यूजी हो गया या पीजी हो गया, एंड इसी के अलावा अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है सीयूईटी के थ्रू लेना है या फिर आईपीयूसीईटी के थ्रू लेना है, कोई भी एंट्रेंस हो गया या फिर कोई भी कॉलेज हो गया या फिर आप कह सकते कोई भी यूनिवर्सिटी हो गया, कहीं भी एडमिशन लेना है, कोई भी कोर्स के अंदर लेना है, आप लोग डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं किसी भी चीज के अंदर अगर आपको दिक्कत आती है। अगर आप लोग मुझसे कोई भी काउंसलिंग लेते हैं तो मैं उसकी कोई भी फी पेमेंट नहीं लेता हूं, हमारी जो काउंसलिंग है वो आप लोगों को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है। तो आप लोग इस नंबर पे मेरे से व्हाट्सएप पे डायरेक्टली बातें कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप लोगों के सारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कर दूंगा। सो कहीं भी एक्स्ट्रा फालतू पेमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप मुझे डीएम करिए या फिर कॉल करिए। पिछले साल भी हमने बहुत सारे एडमिशन करवाए थे, सेम इस साल भी हम लोग करने वाले हैं। सो हाँ, अगर आप लोग एडमिशन करवाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर तो आप लोग मुझे डायरेक्टली डीएम या फिर कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको भी अभी फिलहाल पीजी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है और कोई भी मास्टर्स प्रोग्राम में उनको जाना है, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं वीडियो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।